व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द गैलेक्सी सर्वाइवल। तो पिछले वीडियो में हमने अपना बेस तैयार किया था, तो आज की इस वीडियो में हम अपना हाउस बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो, पहले इस पत्थर को तोड़ते हैं, देखते हैं इसमें से क्या क्या मिलते हैं। तो भाई ये आपको पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आना, था कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो पहले इसको तोड़ देते, काफ़ी बड़ा है तो ज़्यादा आइटम मिलेंगे इसमें से हमको। पहले इसको तोड़ देते हैं, फिर अपना हाउस का काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिला है हमको, यहाँ से हम क्लेम कर लेते हैं। तो गाइस मैं कब मेन टॉपिक पर ही अपना वॉइस कैम करूँगा, क्योंकि मुझे इतना ख़ास वॉइस कैम करना नहीं आता, तो मैं मेन टॉपिक पर ही अपना वॉइस कैम चालू करूँगा। आते हैं यहाँ पर अपना 3D प्रिंटर पर जाकर अपना जो भी है सामान वो कलेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं और अपना घर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने अब क्राफ्ट कर लिए थे, अब इसके डोर साइड के वॉल्स होल्स क्राफ्ट करता हूँ मैं। यहाँ से अपना ये जो कुकिंग का होता है वो यहाँ पे फर्नेस हमने क्राफ्ट कर लिया था। तो यहाँ से अपना पहले वाटर साफ कर देते हैं, जो पानी की बोतल है वो गंदे वाटर के उसको हम अब साफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गेट पे क्लिक करूँगा और ये 2 सेकंड में आपकी बोतल साफ़ होकर आ जाएगी। तो मैं अपनी सारी बोतल्स को साफ़ कर लेता हूँ, पानी को साफ़ कर लेता हूँ, मतलब बोतल को नहीं। यहाँ पर बोटल्स और जो अपन स्पाइडर्स मारते हैं उनके फूड को उस वो कर सकते हैं, बाकी फूड को नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब और आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से अब बना लेते हैं क्या क्या आपको ज़रूरत है, वो वॉल्स की जो भी हो बाहर से डैमेज जा रही है अपनी कहीं आप। यहाँ से और अब कलेक्ट कर लेते हैं, ये क्या है, गोल्ड जैसा तो लग रहा है। तो अब जल्दी से हम बनाते हैं अपने वॉल्स को, नहीं इनको यहाँ पर देख लेते हैं और क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा फाउंडेशन कर लेते हैं, जो कि हम अपने बेस को तैयार कर सकें और अपने वॉल को अब बनाएंगे 4x4 का। तो यहाँ पे 2 और तो मैंने कल पिछले वाली वीडियो में लगा दिए थे, तो अब यहाँ पे मैं और 2 और अभी लगा देता हूँ। यहाँ पे अब बेड लगा के पहले दिन कर दे, डे कर देते, तो यहाँ पे मैंने डे कर दिया और इस बेड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब मैं अपने वॉल को यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे नीचे लगा लेता हूँ और 4x4 का बनाएंगे ताकि ज़्यादा स्पेस ना गिरे, और अगर होगा तो बाद में हम इसको और भी एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे अब एक होल वॉल बनाई थी, इसको लगा देते हैं, यहाँ पे तो नहीं लगेगी, यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे और जो सामान चाहिएगा उसको कलेक्ट करने चलते हैं। तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इस मैंने काफ़ी सारे चीज़ें कलेक्ट करके बना भी दिए और यहाँ पे अब अपने घर का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डोर लगा देता हूँ, पहले यहाँ पे वॉल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक और डोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वॉल और एक डोर लगा दिया है, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें क्राफ्ट कर लेती हूँ। और भी ये अब मैं ये पत्थर वत्थर जो भी स्टोन है वो कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले अपने देख सकते हो आप काफ़ी सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं। अब बेड लगा के पहले नाइट दिन कर देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी पता नहीं मॉब्स ऑब्स स्पॉन होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर स्पाइडर बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो पहले यहाँ पर मैं अपने बेड को क्राफ्ट कर, ये जो भी सामान चाहिए वो क्राफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक विंडोज़ क्राफ्ट कर लेगी मैंने 2, तो यहाँ पर लगा देते हैं इनको। एक वॉल्स भी कलेक्ट, वॉल भी बनानी पड़ेगी क्योंकि
वॉल्स की भी ज़रूरत है। पहले ये इनके जो फ्रेम्स है ये बना देते हैं ताकि हमको बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे फिर से हम और पहले यहाँ पे विंडोज़ लगा देते हैं ताकि देखते हैं। अब यहाँ पे मैं वॉल्स क्राफ्ट कर देता हूँ, दो तीन वॉल्स क्राफ्ट कर देता हूँ पहले। तो अब यहाँ पे से ये जो यहाँ पे कॉर्नर पर लगेगी वो वॉल्स क्राफ्ट कर लिए। तब देखते हैं क्या और क्या रूफ टॉप का, तो अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ये लगा देते हैं जो जो आइटम हमने लगाए। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, अब काफ़ी अच्छी लग रही है लुक्स में भी। तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं। तो यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो दो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से हम इसको तोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी वॉल लगा देंगे ताकि लुक में अच्छे लगे, और इस साइड हम ये लगा देंगे। भाई ये वॉल्स किस काम की मुझे नहीं पता, पर ये लग नहीं रही है। लग तो रही पर दूसरी साइड फेस कर लग रहा है। तो इसको चलो छोड़ते हैं इसको और आगे काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी वॉल लगाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता इसका, हमने ऐसे ही बना दी थी। अब यहाँ पर वॉल लगा देते हैं और अब काफ़ी हद तक हमारा घर बन चुका है। तो अब देखते हैं और क्या करना है यहाँ पे, और देखते हैं और क्या आइटम्स बने। ये वो जो देखते हैं इनको कलेक्ट कर अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि बाहर आने जाने का काम झंझट जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी को बाद में कलेक्ट करें। पहले यहाँ पे इनको रख देते हैं, इन दोनों बॉक्स को जो हमारा कंटेनर जिसमें हमारा सामान स्टोर होता है, इन दोनों के पास में ऊपर नहीं लगेगा यहाँ पर, इसमें लगा देते पास में। चलो ठीक है, और इन दोनों को भी कलेक्ट कर वहाँ लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर भी हमको 3D प्रिंटर यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो भी फूड मशीन वो उसको वहाँ लगा देते हैं। और भी आइटम कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अरे आइटम्स तो कलेक्ट कर लिए हैं, वापस चलते हैं। आप कह रहे होंगे जंप कहाँ से होता है, तो जहाँ से आप इस बंदूक को चलाते हो उसके जस्ट नीचे आप दबाओगे तो ये जंप भी करेगा प्लेयर आपका जो भी है। यहाँ पे देख ही सकते हो मैं जंप कर, फूड मशीन में नहीं जाना हमको, अपना इन्वेंट्री में जाना है। पहले 3D प्रिंटर से हमको सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें क्राफ्ट कर ली है, जो भी आइटम्स चाहिए हम वो क्राफ्ट कर लेते हैं। बाकी तो हमारे पास सामान ख़त्म हो गया। इसमें एक जो भी एक ब्लॉक तोड़ेंगे उसका स्पेस घेर लेता है, तो ये बहुत ही ख़राब काम है इसका। यहाँ से इसको क्राफ्ट कर लेते हैं एक रूफ का। यहाँ पे रूफ लगा देते हैं, एक वॉल हो रहे हैं ये लगा देते हैं। यहाँ पे एक वॉल लगा दी, एक ये लगा दिया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया हमने। तो बाकी और देखते हैं क्या होता है। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इसको भी उस कॉर्नर पर लगा देते हैं। तो और एक और वॉल बाकी हो रही रह रही है, तो उसको भी लगा देते हैं, इसको क्राफ्ट करके लगा देते हैं। भाई आइटम्स ख़त्म हो गए, तो कल की वीडियो में देखेंगे। अब कल वीडियो आएगी अगर जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये चारों तरफ से पैक तो हो गया, और बाकी वीडियो में कल देखेंगे। तो भी जो भी चीज़ें होगा इस भेड़ को थोड़ा साइड में लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में लगा दिया है, यहाँ से बाहर जाकर देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। तो गाइस आज के वाली इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेल देन एंड गुड बाय।